शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं अपने मिशन में कामयाब रही हूँ भैया। जिस कत्ल के इल्जाम में उन्होंने रघुवीर को फंसाया था, वो कमीना गणपत अब तक जिंदा है। भैया, ये सिर्फ लाइटर नहीं, कैमरा भी है, और इसमें वो सारे सबूत है जिससे हमारा रघुवीर निर्दोष साबित हो सकता है। गणपत की बेवकूफी की वजह से हमारे सारे राज रवि के हाथों लग चुके हैं। अब वो आग बबूला होकर तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ता रहा होगा। इस बंगले की घेराबंदी कर दो, वो यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? जाओ। कमीने, झूठे सबूतों के बिना पर तूने मेरे मासूम भाई को फंसाया, उस पर घातक इल्जाम लगाया, मुझे धोखे में रखा। तेरी मक्कारी का पर्दाफाश हो चुका है, आज मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने कुछ नहीं किया रवि, मैंने कुछ नहीं किया। तू बकेगा, तेरे मुंह से मैं सच उगलवाऊंगा। नहीं, मारूंगा नहीं, तुझे कुत्ते की तरह घसीट के उसी कोर्ट में ले जाऊंगा जहां तूने मेरे मासूम भाई को फांसी की सजा सुनवाई थी। आज अपने गुनाहों का तू ही चश्मदीद गवाह होगा। चल चल, दूसरों को फांसी की सजा सुनवाने वाले छोड़ दो, छोड़ दो। अरे नहीं, रुक जा रवि वर्मा, रुक जा। मुझे मालूम था कि तू पंगा खड़ा करने के लिए सीधा इधर ही आएगा, इसलिए तेरे पंगे को ठंडा करने के लिए मैं भी सीधा तेरे घर चला गया।
सेवक राम को छोड़ दे अंगरक्षक, वरना तेरी इस पुतुल के अंगों की रक्षा कौन करेगा? शाबाश नीति राम, शाबाश। अरे तुम्हारी बुद्धि पर तो मैं लुट गया रे। मुझे मारने आया था है? मुझे क्या होगा? तू एक काम कर, अखबार वालों को बुलाओ और उन्हें बताओ कि अपने आतंकवादी भाई के गुस्से में इस बावले ने तुम्हारे ऊपर हमला किया और तुम्हारे अंगरक्षकों ने इसे लाश बना दिया। हाँ, ये जो औरत है ये तो भारतीय नारी है, सती सावित्री है। ये ऐसी औरत जब भरी जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो पागल हो जाती है। पागल, यही इसका धर्म है। हाँ, इसे एक पागल करार कर दो। पागल? मैं पागल हूँ। में निभाने वो शमशान घाट जाएगा, लेकिन वहां एक नहीं, दो लाशें जलनी चाहिए। हाँ,
छोड़ के मत जाना, हमसे कट्टी मत करना। देखो पापा ने भी हमसे कट्टी कर ली। उनसे कहो कि हमसे बात करें। देखो पापा ने भी हमसे कट्टी कर ली। रघुवीर का जेल से भाग जाना कोई आम खबर नहीं है। बहुत बड़ी चेतावनी है ये। नीति राम जल्दी से अपनी खोपड़ी टटोल और इसका कोई तोड़ सोच। मेरी चाणक्य नीति ये कहती है, आज से हमारे सारे गोडाउन, हमारे सारे काले धंधे बंद। रघुवीर, तमाम अड्डों को उड़ाता जा रहा है, हमारे तमाम जवानों को मारता जा रहा है। मैं ये पंगा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मत भूलो कि रघुवीर की असली तलाश गणपत है। अगर गणपत उसके हाथ लग गया तो हमारा पूरा सिंहासन हिल सकता है। ऊपर से इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके गणपत को फिर से मिस्टर पिज्जा बनाकर वापस विदेश भेज देना चाहिए। अरे आखिर मैं कब तक गेटअप चेंज करता रहूंगा? मिस्टर पिज्जा, होनोलुलु, इलू इलू, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, देख देख छोटे, एक मुन्ना, जब तक ये तूफान अपना रुख ना बदल ले तू विदेश का रुख कर ले। अच्छा बस।
भैया भैया गणपत गणपत क्या हुआ गणपत कहाँ है तू सही थी राम मैं आ रहा हूं रघुवीर आजा बहुत आ गया छोड़ दे अभी गणपत को छोड़ दे मेरे भाई को देख रघुवीर मैं तुझसे फिर कह रहा हूं छोड़ दे मेरे भाई को बहुत पड़ेगा पंगा रघुवीर गणपत तो ठीक है ना तेरे अंदर बगावत की ये जो आग भड़क रही है ना इस आग में तो खुद तो जलेगा ही तेरे साथ वो भी बुरे जाएंगे जिनमें तेरी जान अटकी हुई है यानी कि तेरी जान से भी प्यारी तेरी भाभी रघुवीर और तेरी माशूका चलो चलो हाथकड़ी खोलो चलो हाथकड़ी खोल दो चलो मौत का दर्द क्या होता है जल्दी मत करो इसने गणपत को मारकर हमें बहुत बड़ा जख्म दिया है ऐसे दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए इसके हर जख्म हर दुख की रात पर हमें तेजाब छिड़कना चाहिए और इसकी सबसे बड़ी दुख की रात है इसकी विधवा भाभी जिसे देखते ही ये पागल हो गया था आज हम एक बहुत बड़ी रस्म पूरी करेंगे नहीं, नहीं, सेवकराम नहीं, नहीं आराम जादे, नहीं मैं क्या क्यों रुक जाऊं मैं क्या क्यों रुक जाऊं नहीं, 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 नहीं,
सियासत के नाम पर देश की बर्बादी के जिम्मेदार इन गुनेगारों से पर्दा उठाकर रघुवीर ने एक सच्चे देशभक्त का काम किया। रघुवीर ने जो कुछ भी किया अपने देश की रक्षा और बहुत से मासूमों की जान बचाने के लिए किया, इसीलिए अदालत की नजर में रघुवीर निर्दोष है और अदालत उसे सब इल्जामों से बरी करती है।